दुर्गेश क्लास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जानते हैं शिक्षा विभाग का अपडेट। ये पत्र निर्गत किया गया है कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव निदेशक माध्यमिक शिक्षा द्वारा। यहाँ पे देख सकते हैं सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी के लिए पत्र निर्गत किया गया है। विषय में देखें प्राथमिक मध्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में उपलब्ध रिक्त पद की सूचना विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने के संबंध में। आगे देखते हैं उपर्युक्त विषय आप अवगत हैं कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 में दिनांक 10/4/2023 को अधिसूचित है कि परिप्रेक्ष्य में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 26/2023 TRE1 एवं विज्ञापन संख्या 27/2023 द्वितीय चरण TRE2 के तहत अनुशंसित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की कार्रवाई की गई है। पुनः तृतीय चरण TRE3 के तहत नव नियुक्ति कार्रवाई की जानी है। आप अवगत हैं कि TRE1 एवं TRE2 के तहत नियुक्त शिक्षकों में स्थानीय निकाय की शिक्षकों संख्या लगभग 20-25 हज़ार के आसपास है। ऐसे परिस्थिति में स्थानीय निकायों से रिक्त हुए पदों की गणना कर उसे प्रशासी पदवर्ग समिति से विद्यालय अध्यापक के पद पर सृजन करना आवश्यक हो गया है। अब से रिक्ति की सूचना अप्राप्त रहने के कारण अग्रेतर कार्रवाई बाधित है। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में आपको पूर्व में ही वांछित रिक्ति 2 दिनों के अंदर भेजने का निर्देश दिया गया था। अतः पुनः आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने जिले के अंतर्गत नियुक्त स्थानीय निकाय के शिक्षक जो TRE1 एवं TRE2 के तहत विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हो गए हैं वैसे संबंधित रिक्ति की सूचना इस पत्र के साथ प्रपत्र 1, 2, 3 एवं 4 के साथ 2 दिनों के अंदर अधोस्ताक्षरी ईमेल आईडी पर भेजना सुनिश्चित करेंगे। इसे अत्यावश्यक समझे तो ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल के लिए जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।